आइए आपको लेकर के चलते इस वक्त की धार जिले की बड़ी खबर की ओर, जो आ रही जिला मुख्यालय धार से, जहां जिला चिकित्सालय धार में एक महिला की गोली लगने के बाद मौत होने का मामला सामने आया है। पूरा मामला झाबुआ जिले का बताया जा रहा है, जहां उमरकोट के नजदीक ग्राम पारड़ी में एक विवाह समारोह के दौरान 35 वर्षीय रजनी पति अपसिंह नीनामा विवाह समारोह में शामिल होने गई थी, जहां उनके पति अपसिंह नीनामा की शासकीय रिवाल्वर से चली गोली से उक्त महिला गंभीर घायल हो गई थी, जिसे तुरंत उपचार के लिए नजदीकी सरदारपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए से धार जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। इस दौरान रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला के पति अपसिंह नीनामा पुलिस विभाग में ही कार्यरत थे और विवाह समारोह में उनके द्वारा चलाई सरकारी रिवाल्वर की गोली से उक्त महिला गंभीर घायल हो गई थी, जिसे धार उपचार के लिए लाते समय महिला की मौत हो गई। वहीं झाबुआ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हाँ, ये मैंने केसेस देखा है। ये सरदारपुर में गए थे पहले गोली लगने के बाद, वहाँ से प्राइमरी उपचार के बाद इसको रेफर किया था धार के लिए। तो लेकिन मेरे द्वारा देखा जाता है, करीब हिस्ट्री में ये बताया उन्होंने कि तिल्ला के आसपास इसकी रेस्पिरेशन रुक गया था, मतलब तिल्ला के आसपास ही सर्टिफाई हो गए थे, यहाँ तो मृत अवस्था में लाए गए थे। क्या कारण था सर गोली लगने का, ये महिला कहाँ की है? ये बताया हिस्ट्री में, ये बताते कि इसी शादी में गए थे यहाँ पर, तो गोली ऊपर चलाई थी, किसी खंभे से टकरा के इनको रिटर्न गोली लगी है, ऐसा मुझे बताया गया इन लोगों ने। अब सर महिला का और कितनी उम्र? महिला की 30 साल उम्र है और रजनी पिता अप सिंह नाम है उसका। या लाने के पहले ही? हाँ, लाने के पहले, लाने के करीब 15-20 पहले ही मृत्यु हो चुकी थी उसकी।